बरज़रान-ए इस्लाम अरबी लुग़त में बरज़ख दो चीज़ों के दरमियान रोक को कहते हैं। दुनिया और आखरत के दरमियान वो आलम बरज़ख कहलाता है जिसमें मरने के बाद से क़यामत तक आदमी रहता है। बरज़ख मरने के दिन से दोबारा ज़िंदा किए जाने के दिन तक का ज़माना है। जो मरा वो बरज़ख में दाखिल हो गया, यानी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा से आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और तमाम अशिया के नाम उनको सिखाए, मस्जूद मलाइक बनाया और बेहिश्त को उनका मस्कन बनाया। फिर उनकी मंशा तख्लीक को पूरा करने के लिए उनको ज़मीन पर उतारा। इस तरह उनके लिए पहला घर जन्नत, दूसरा घर दुनिया, तीसरा घर बरज़ख, चौथा घर फिर जन्नत मुकर्रर किया। और औलाद आदम के लिए अव्वल घर माँ का पेट, दूसरा दुनिया, तीसरा बरज़ख, चौथा जन्नत या दोज़ख मुकर्रर किया। हर घर के लिए मुनासिब अहकाम मुअय्यन फरमाए। दुनिया को दारे अमल करार दिया। पसंदीदा और गैर पसंदीदा आमाल की तालीम के लिए अम्बिया कराम को मबूस फरमाकर इंसान पर अजीम एहसान फरमाया। सब अम्बिया की नबूवत और उनकी तालीम को हक मानने वाले मोमिनीन और इनकार करने वाले काफिर हुए। मौत से क़यामत तक का ज़माना बरज़ख कहलाता है। इसमें मोमिन राहत में और काफिर तकलीफ़ में रहता है। हकीकी जजा सज़ा हिसाब व किताब के बाद होगी। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़र्रियत को पैदा किया तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि इलाही, ये तमाम ज़र्रियत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन में समा ना सकेगी। फरमाया, मैं मौत को पैदा करूंगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, मौत को पैदा किया गया तो उनकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं रहेगी। इरशाद हुआ, मैं उम्मीद को पैदा करूंगा। दोस्तों, मौत की तमन्ना की ममानियत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी मुसीबत से घबराकर हरगिज़ मौत की तमन्ना न करे, बहुत ही मजबूर हो जाओ तो इन अल्फाज में दुआ किया करो, ए अल्लाह, मुझको उस वक्त तक जिंदा रख जब तक मेरे लिए ज़िंदगी में भलाई हो, और अगर मेरे लिए ही मौत बेहतर है तो मुझे मौत दे दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के आने से पहले तुम में से कोई शख्स हरगिज़ मौत की दुआ और तमन्ना ना करे, इसलिए कि जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और मोमिन की उम्र खैर ही को बढ़ाती है। यानी उम्र बुरी चीज़ नहीं, कुछ न कुछ उसमें मोमिन खैर ही करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की हरगिज़ तमन्ना न करे, क्योंकि वो शख्स या तो नेक है तो शायद नेकी ज़्यादा करे, और यह बदकार है तो मुमकिन है कि बदी से बाज आ जाए और अल्लाह ताला की खुशनूदी का तालिब बन जाए। हज़रत उमर बिन अब्बा सर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना न करे मगर उस वक्त के उसे अपने अमल पर भरोसा हो, और जब तुम देखो कि इस्लाम में 6 चीज़ें आम हो रही हैं तो मौत की तमन्ना करो, और अगर तुम्हारी जान तुम्हारे हाथ में हो तो उसे छोड़ दो। एक, किसी का नाहक कत्ल करना। दो, बच्चों की हुकूमत। तीन, कमीनों की कसरत। चार, जाहिलों की हुकूमत। पाँच, इंसाफ की खरीद व फरोख्त। और छः, कुरान को गाकर पढ़ा जाए। मतलब यह है कि जिस वक्त ये बातें आम हो जाएं और लोग इनको दिल से बुरा समझना छोड़ दें तो ईमान का अदना दर्जा है, तो ऐसे नाजुक वक्त में मौत की तमन्ना करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। बरदरान-ए इस्लाम, अब सुनिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौत का दिलचस्प वाक़या। मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलकुल मौत, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त की रूह कब्ज़ करता है? मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि तू इब्राहीम से ये कह दे कि क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो दोस्त की मुलाकात को नापसंद करता हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह जवाब सुना तो तड़प उठे और फरमाया, ए मलकुल मौत, तू इसी वक्त मेरी रूह कब्ज़ कर ले। हज़रत इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह पसीने के साथ निकलती है और काफिर की जान इस तरह खींची जाती है जिस तरह गधे की। मोमिन से जो गुनाह सरजद हो चुके हैं, मौत की सख्ती उनका कफ़ारा हो जाती है, और काफिर ने जो नेकियां की हैं उन नेकियों का बदला उसको इस तरह दिया जाता है कि मौत उस पर आसान कर दी जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को हर चीज़ में अजर ही अजर है, यहाँ तक कि मौत की सख्ती में भी अजर मिलता है। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन पेशानी पर पसीना छोड़कर वफात पाता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी मौत करीब आए तो उसमें 3 अलामतों को गौर से देखो। एक, अगर पेशानी अरकालूद हो। दो, उसकी आँखें पुरनम हो जाएं। तीन, और उसके नथने फूल जाएं तो समझ लो उस पर अल्लाह की रहमत हुई। और अगर इस तरह खरखर करने लगे जैसे ऊँट गला घुटने के वक्त करता है, और उसका रंग सुर्ख हो जाए और उसकी बाछें राख के रंग की हो जाए, तो समझ लो उस पर अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। हज़रत उमर बिन हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये वाक़या मरवी है कि बनी इसराइल के 2 आदमियों ने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की कि थक कर इबादत से किनारा कश हो गए। फिर उन्हें ख्याल हुआ कि अगर हम कब्रिस्तान की मुजावरत करें तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। इसी ख्याल से वो कब्रों के मुजाविर बनकर अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। वहाँ एक मुर्दा नमूदार हुआ। उसने उन लोगों से बयान किया कि मेरी मौत पर 80 बरस का ज़माना गुजर चुका है, लेकिन मौत की तकलीफ़ अब तक महसूस करता हूँ। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मौत की तकलीफ़ मुर्दे को उस वक्त तक महसूस होती रहेगी जब तक वो कब्र में है। ये तकलीफ़ मोमिन के लिए तमाम तकलीफ़ से बढ़कर है और काफिर के लिए बड़ी सहल है, क्योंकि उसकी तकलीफ़ तो मौत के बाद अज़ाब दायमी की शक्ल में आने वाली है। हज़रत अली करमल्ला वजू का बयान है कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तलवार की 1000 ज़रबे खाकर मरना बिस्तर पर मरने से ज़्यादा आसान है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मौत की कैफियत दरियाफ़्त की गई तो आपने फरमाया, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे लोहे की कांटोदार सीख मेरे पेट में दाखिल की गई। सीख के कांटे मेरी रगों में उलझ गए और फिर निहायत ज़ोर से वो सीख खींच ली गई। इस बयान पर मलकुल मौत ने कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आप पर फिर भी आसानी की। मरवी है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ए मूसा, तुमने मौत की क्या कैफियत पाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मौत के वक्त मेरा हाल बिल्कुल उस चिड़िया जैसा था जो जिंदा कड़ाही में तली जा रही हो कि न मरकर राहत पाती है और न उस तकलीफ से निजात पाकर उड़ सकती है। मौत की कैफियत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये कौल भी मरवी है कि जाकनी में मेरा हाल बिल्कुल उस बकरी जैसा है जिसकी खाल कस्साब उतार रहा हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान निकालने के लिए फरिश्ते बंदे को घेर कर महबूस कर देते हैं, अगर ऐसा न करें तो सकरात मौत की तकलीफ़ इतनी शदीद होती हैं कि बंदे जंगलों और मैदानों में भाग जाएं। मेरे दीनी बहनों और भाइयों, शहीद को मौत के वक्त बहुत मामूली तकलीफ होती है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि बंदे पर वो घड़ी सबसे ज़्यादा सख्त होती है जब रूह हंसली के पास पहुंचती है। उस वक्त बंदा इतना बेचैन होने लगता है कि उसका सांस ऊपर को चढ़ने लगता है, लेकिन शहीद इससे मुस्तस्ना है। हज़रत अबू फ़ितादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को कत्ल होने के वक्त उतनी ही तकलीफ़ महसूस होती है जितनी तकलीफ़ तुमको चींटी के काटने से होती है। हज़रत मोहम्मद बिन काब अर्जी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सबसे आखिर में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। उनसे कहा जाएगा, ए मलकुल मौत, तू मर जा। ये सुनते ही वो इतनी ज़ोरदार चीख मारेंगे कि अगर आसमान और ज़मीन वाले सुन लें तो दहशत से मर जाएं। इस चीख के बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने इतना और ज़्यादा बयान किया है कि मलकुल मौत की मौत सारी मखलूक की मौत से सख्त होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नागहानी मौत के बारे में दरियाफ़्त किया कि क्या नागहानी मौत मकरूह है। हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वो कैसे मकरूह होगी? मैंने तो नागहानी मौत के बारे में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया, ये मोमिन के लिए तो राहत है लेकिन फाजिर के लिए हसरत और नामुरादी है। यानी अचानक मरना नेकों के लिए तो अच्छा है लेकिन बुरों के लिए बुरा है कि तौबा और अमल सालेह का मौका ही नहीं मिलता। नज़ा के वक्त की तलकीन। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा उसका जन्नत में दाखिल होना ज़रूरी है। हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बच्चों की ज़ुबान जब खुले तो सबसे पहले उनको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, और जब उनकी मौत का वक्त करीब हो तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। जिस शख्स का अव्वल और आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो वो अगर 1000 बरस भी जिंदा रहा फिर भी उसको बख्श दिया जाएगा। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन से रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मय्यत के पास हाजिर हो तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, क्योंकि जिस बंदे का खात्मा इस कलमे के साथ होता है उसके लिए ये कलमा तोशाए जन्नत हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि एक शख्स की वफ़ात के वक्त मलकुल मौत आए। जब उसके आज़ा को चीर कर देखा तो कोई नेकी की अलामत ना मिली, फिर उसके दिल को चीरा तो उसमें भी कोई चीज़ नहीं पाई, फिर उसके दोनों जबड़ों को चीर कर देखा तो उसकी नोक ज़ुबान तालू से चिपकी हुई थी और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था। इस कलमाए तैयबा की बरकत से उसकी बख्शिश हो गई। मोमिन की रूह को ज़मीन व आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं। हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने खातिम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक तवील हदीस रिवायत की है जिसमें बयान है कि मोमिन की रूह को आसमान और ज़मीन के तमाम फरिश्ते मुबारकबादियाँ दे चुकते हैं तो अल्लाह ताला की जनाब में पेश होती है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मरहबा इस रूह के लिए और मरहबा इस जिस्म के लिए जिससे ये पाक रूह निकली है। फिर इसको जन्नती ठिकाना दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अब इसको ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मेरा हुक्म हो चुका है कि मैंने इसको इसी ज़मीन से पैदा किया और इसी ज़मीन में मिलाऊंगा और इसी से इसको दोबारा उठाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, जिस वक्त उस रूह को जिस्म में लौटाने का हुक्म होता है और फरिश्ते लेकर चलते हैं तो ये लौटना इतना नागवार होता है कि निकालने के वक्त भी उसको इतनी नागवारी का इजहार करती हुई कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्या उस जिस्म की तरफ ले जा रहे हो जिसके अंदर मैं थी? फरिश्ते कहते हैं, हम अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि उस जिस्म में तुझको लौटा दे, चुनाचे वो लौटाई जाती है और इसी वक्फे में उसके जिस्म को लोग गुस्ल देकर कफन में लपेट चुके होते हैं। फरिश्ते उस रूह को जिस्म में दोबारा लौटा देते हैं। हज़रत अता खुरासानी का बयान है कि बनी इसराइल का एक शख्स 40 तक महकमा क़ज़ा का काजी रहा, काजी यानी अदालत का जज। जब वो शदीद बीमार पड़ा तो उसने कहा, मेरा गुमान है कि मैं इस बीमारी में मर जाऊंगा। मैं अगर मर जाऊं तो एक काम करना कि 4-5 रोज़ तक मुझे घर में रोके रखना। इस अरसे में अगर कोई ख़ास कैफियत मेरी देखो तो मुझे आवाज़ देकर पूछना। चुनाचे उसी बीमारी में उसका इंतकाल हो गया तो वो एक संदूक में रख दिया गया। 3 रोज़ गुजरने के बाद जब उसके जिस्म से इतनी बदबू आने लगी कि घर वाले परेशान हो गए, मजबूरन एक शख्स ने उसकी लाश को पुकारा और कहा, ये कैसी बदबू तेरे जिस्म से आ रही है? उस मुर्दे को हुक्म खुदाबंदी हुआ और वो बोल पड़ा। उसने बदबू की वजह यह बयान की कि मैं 40 बरस काजी रहा, लेकिन किसी मुकदमे में जानबदारी और बेइंसाफ़ी की तोहमत मुझ पर नहीं लग सकी। अलबत्ता एक मुकदमा ऐसा आया कि दो आदमी मेरे पास आए, उनमें से एक की तरफ मेरा रुझान और मिलान था, इसलिए उसके फरीक के मुकाबले में उस शख्स की बात पर मैंने ज़्यादा तवज्जो दी और हमदर्दी से कान लगाकर सुनता रहा। मेरे कान ने अदालत की कुर्सी पर बैठकर ये बेइंसाफ़ी की थी, उसी कान से ये बदबू आ रही है जिससे तुम लोग परेशान हो। ये कहकर वो खामोश हो गया और उसकी लाश का संदूक सुपुर्द खाक कर दिया गया। हज़रत साले बिन हबी रज़ी अल्लाह ताला अन का बयान है, मेरे एक पड़ोसी की वफ़ात हो गई, फिर उसकी वफ़ात के बाद बैठकर उसके आमाल का जिक्र मैं करने लगा तो वो शख्स बोल पड़ा और कहने लगा, मैंने जिस गुनाह से मग़फ़रत चाही वो बख्श दिया गया और जिससे मग़फ़रत ना चाही वो जूं का तूं बाकी रहा। मैंने अनार का एक दाना खैरात कर दिया था, उसकी वजह से एक नेकी लिखी गई। एक रात में खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा, मैंने क़िरात बुलंद आवाज़ से की तो मेरा पड़ोसी सुनकर उठ खड़ा हुआ और उसने भी नमाज पढ़ी। इसके सबब से मेरे लिए भी एक नेकी लिखी गई। एक दिन मैं कुछ लोगों में बैठा हुआ था कि एक साइल आया, मैंने उसको एक दिरहम दे दिया, लेकिन ये मैंने सिर्फ दिखावे के लिए किया था। मैंने उस दिरहम पर कोई नेकी नहीं पाई, बस इतना हुआ कि मैं उसका सवाब नहीं पा सका। मतलब ये है कि जो नेक अमल दिखावे के लिए किया जाता है उसकी दुनिया में शोहरत तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। दोस्तों, तौबा का वक्त कब ख़त्म होता है? हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल्ला मजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि तौबा का वक्त बहुत दराज होता है, लेकिन जब मौत के फरिश्ते नज़र आने लगते हैं तो तौबा का वक्त ख़त्म हो जाता है और बंदा भी दुनिया से बेखबर हो जाता है। हज़रत माज़ बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये वाक़या मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बनी इसराइल में एक बड़ा गुनहगार शख्स था, उसने 97 इंसानों को कत्ल किया था। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो एक राहिब की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए राहिब, मैंने कोई बुराई नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि मैंने 97 इंसानों को नाहक कत्ल किया है। क्या मेरे लिए तौबा की कोई राह निकल सकती है और तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने कहा, अब तेरे लिए मुआफ़ी की कोई सूरत नहीं है। ये सुनकर वो शख्स बड़ा मायूस हुआ और उस राहिब को भी कत्ल करके चला गया। जाते जाते एक दूसरे राहिब के पास पहुंचा और अपनी साबिक़ा तमाम तर बुराइयों को जिक्र करके तौबा की सूरत दरियाफ्त की। दूसरे राहिब ने भी उसको नफ़ी में जवाब दिया, चुनाचे मायूसी के आलम में उसने दूसरे राहिब को भी कत्ल कर दिया और आगे बढ़ा। एक तीसरे राहिब के पास पहुंचा और उससे भी उसी तरह अपने गुनाहों का जिक्र किया और तौबा की राह दरियाफ्त की। तीसरे राहिब ने भी उसको यही जवाब दिया कि अब तौबा की कोई सूरत नहीं। ये सुनकर उसने तीसरे राहिब को भी कत्ल कर दिया। अब इस कातिल के मकतूलीन की तादाद 100 हो गई। इसके बाद एक चौथे राहिब के पास आया, उसने अपने जराइम का जिक्र करके तौबा की सूरत दरियाफ्त की। उस राहिब ने कहा कि अगर मैं ये जवाब दूं कि जो शख्स अल्लाह की तरफ रुजू होता है अल्लाह उसकी तरफ रुजू नहीं होता तो ये झूठ होगा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अब तौबा कर और फिर अपने आमाल दुरुस्त करने के लिए फ़लां मकाम के दैर में जाकर वहाँ के आबिदों के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर। राहिब की ये बात सुनकर उसको उम्मीद बंधी और उसने तौबा करके उस दैर की राह ली। जब वो दरमियानी रास्ते तक पहुंचा तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और उसकी रूह वहीं रास्ते ही में कब्ज़ कर ली गई। उसके मरने पर अजाब और रहमत के फरिश्ते उसको उठाने के लिए झगड़ने लगे। अचानक एक तीसरा फरिश्ता आया और उसने फैसला किया कि यह शख्स जहाँ से चला था और जिस गांव की तरफ जा रहा था उन दोनों जगहों का फासला नापो। अगर ये तवाबैन के गांव से ज़्यादा करीब हो तो इसको नेकियों में शुमार करो, वरना गुनहगारों में। चुनाचे जब फासले की पैमाइश हुई तो एक बालिश तवाबैन के गांव से ज़्यादा करीब था, इसलिए उसको बख्श दिया गया और रहमत के फरिश्तों ने उसे उठा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह वाक़या बयान किया कि एक शख्स शदीद बीमार हुआ। हम लोग उसके पास बैठे हुए थे। अचानक बीमार बेहिस व हरकत हो गया। हमने उसको मुर्दा समझकर कपड़ा ढांक दिया और उसकी आंखों को बंद कर दिया। जब हम उसको गुस्ल देने के लिए उठाने गए तो उसने हरकत की। हम सब ने कहा सुभान अल्लाह, हम तो समझते थे कि तुम मर चुके हो। ये सुनकर उस शख्स ने कहना शुरू किया, बेशक मैं मर चुका था, मरने के बाद मुझको मेरी कब्र में ले गए। एक खूबसूरत और खुशबूदार आदमी ने मुझको कब्र में रख दिया। अचानक एक काली बदबूदार औरत नमूदार हुई और उसने मेरी बुराइयां एक एक करके इस तरह गिनानी शुरू की कि मैं इससे शर्मसार होने लगा। औरत से मेरी बहस होती रही। औरत ने कहा, अच्छा चल, हमारा झगड़ा वहाँ तय होगा। चुनाचे मैं चला और एक कुशादा घर में दाखिल हुआ जिसमें चांदी का एक चबूतरा था। उसके गोशे में मस्जिद थी और एक शख्स खड़ा हुआ नमाज पढ़ रहा था। उस नमाजी ने नमाज में सूरह नहल पढ़नी शुरू की और पढ़ते पढ़ते किसी आयत पर अटक गया। मैंने उसको लुकमा दे दिया। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो उसने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या तुझे ये सूरत याद है? मैंने कहा हाँ। ये सुनकर उसने अपने तकिए के नीचे से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। उसी वक्त वो काली औरत जल्दी से उसके पास आकर कहने लगी, इसने ये बुराई की, वो बुराई की। और फिर वो खूबसूरत खुशबूदार शख्स भी आ गया। उसने औरत की तरदीद करते हुए मेरी खूबियाँ गिनानी शुरू की। इस पर उस मस्जिद के एक नमाजी ने कहा, बंदे ने अपनी जान पर जुल्म किया है लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बुराइयों को दरगुजर फरमा दिया। मजीद कहा, अभी इस शख्स की मौत नहीं आई है, अभी तो पीर के दिन इसकी मौत आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस बीमार शख्स ने कहा कि तुम लोग इस वाक़े को सामने रखकर ख्याल रखना, अगर मेरी वफ़ात पीर के दिन हुई तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो कुछ देखा है वो सच है और मुझे निजात मिलेगी, और अगर मैं पीर के दिन न मरा तो समझना मैंने जो कुछ देखा और कहा वो महज बीमारी का हिज्यान था। चुनांचे वो शख्स पीर तक अच्छा रहा और पीर के दिन असर के बाद उसका इंतकाल हो गया। कब्र की मिट्टी नुत्फे में शामिल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चे पर उसकी कब्र की मिट्टी छिड़की जा चुकी है। हज़रत इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो फरिश्ता रहम मादर पर मुकर्रर है वो नुत्फे को रहम से लेकर अपनी हथेली पर रखता है, फिर सवाल करता है, ऐ रब, ये पैदा होगा या नहीं होगा? इसके जवाब में अगर अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि ये पैदा होगा तो फिर फरिश्ता सवाल करता है, ऐ रब, इसका रिस्क कितना होगा और इसकी उम्र कितनी होगी? इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, इन बातों को जानने के लिए उम्मुल किताब यानी लौह-ए-महफूज को देखो। फरिश्ता लौह-ए-महफूज में देखता है जहाँ रिस्क, नक्श कदम, अमल और उम्र सब कुछ दर्ज होता है। इसके बाद फरिश्ता उस ज़मीन से मिट्टी लेता है जहाँ ये दफन किया जाएगा और उस मिट्टी के साथ नुतफ़े को गूंधता है। इसकी तस्दीक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जमा है, तुमको इसी ज़मीन से पैदा किया है और तुमको फिर उसी में लौटा देंगे। हज़रत इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्ही की रिवायत में इतना और इजाफ़ा है कि अगर अल्लाह ताला ने इस नुतफ़े के बारे में ये फरमा दिया कि ये पूरा बच्चा नहीं होगा तो उस नुतफ़े में जान नहीं पड़ती, और अगर उसका पैदा होना फरमाया तो फ़रिश्ता उसके मुज़क्कर मोअन्नस, नेक व बद, उम्र व रिस्क का सवाल करता है। जो लौह महफूज में मिलता है वो पैदा होकर अपने घर वालों में रहता है, लेकिन मौत के बाद उसी जगह दफन होता है जहाँ की मिट्टी नुतफ़े में शामिल होती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की मौत जिस ज़मीन पर मुक़द्दर है तो वो जगह कितनी ही दूर हो, वहाँ ले जाने वाली ज़रूरत भी मुक़द्दर कर दी जाती है। बंदा वहाँ जाता है और फिर वहीं उसकी रूह कब्ज़ की जाती है। क़यामत के दिन वो ज़मीन रूह से कहेगी, ये वो जिस्म है जो मेरे पास तूने बतौर अमानत छोड़ा था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों को नेक लोगों के पास दफन किया करो, क्योंकि मुर्दा बुरे पड़ोसी से उसी तरह ईज़ा महसूस करता है जिस तरह जिंदा आदमी बुरे पड़ोसी से ईज़ा पाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन नाफे मजनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक शख्स मदीना में फौत हुआ और दफन किया गया। एक आदमी ने उस मैयत को ख्वाब में देखा गोया वो अहले दोज़ख में से है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा गम हुआ। फिर एक हफ्ते के बाद दोबारा उस आदमी ने उस मैयत को ख्वाब में देखा। इस मर्तबा ऐसा मालूम हुआ गोया वो अहले जन्नत में से है। उस आदमी ने मैयत से इस तब्दीली की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि हमारे दरमियान एक आदमी को लोगों ने दफन किया है। उस नेक आदमी ने अपने 40 पड़ोसियों के लिए सिफारिश की और मैं भी उन्हीं 40 में शामिल हूँ, इसलिए मेरे साथ जन्नतियों वाला मामला किया गया। हज़रत मुआविया बिन सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत उमर बिन अब्दुलज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने लोगों को वसीयत की कि मेरी कब्र ज़्यादा गहरी न खोदना, क्योंकि ज़मीन का ऊपरी हिस्सा बेहतर है और निचला हिस्सा शर से भरा हुआ है। लोग मुर्दों को क्यों भूल जाते हैं? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ू रिवायत है कि जनाजे को कब्र तक पहुँचाने वालों पर अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता मुकर्रर किया है। जब गम व अंदोह में डूब कर लोग अपनी मैयत को कब्र में रखकर वापस होने लगते हैं तो वो फ़रिश्ता कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उन लोगों की पीठ पर मारता है और कहता है, तुम अपनी दुनिया की तरफ वापस जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे मुर्दों का गम तुमसे भुला दे। चुनांचे लोग वापस आकर बहुत जल्द अपनी मैयत को भूल जाते हैं और दुनिया के कारोबार में मशगूल हो जाते हैं और मुर्दे की याद को यूं फरामोश कर देते हैं गोया उनमें और मुर्दे में कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। हदीस में मनकूल है कि एक जवान आदमी नहायत गमगीन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। अब्दुल मलिक ने उसके रंज व गम की वजह पूछी तो गमज़दा ने कहा कि मैं अपने गुनाह के सबब से गमगीन हूँ। अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, तेरा गुनाह आसमान और ज़मीन से बड़ा तो नहीं है? उसने कहा, बड़ा है। फिर अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तेरा गुनाह अर्श से बड़ा तो नहीं है? उसने कहा, उससे भी बड़ा है। अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत? इस पर उस नौजवान ने खामोशी इख्तियार की। फिर अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तेरा गुनाह कौन सा है? उसने बताया कि मैं कफन चोर था। 5 कब्रों के मुर्दों ने मुझे तौबा पर आमादा किया। उन कब्रों के हालात ये हैं। पहला, मैंने कब्र को जब खोदा तो उसके मुर्दे को देखा कि उसका मुंह किबले की तरफ से फेर दिया गया था और उसको दूसरा अजाब भी दिया जा रहा था। मैं डरकर वहां से लौटा। हातिफ़े गैबी ने आवाज़ दी कि तू इस मुर्दे से क्यों नहीं पूछता कि वो अजाब में किस वजह से गिरफ्तार है? मैंने जवाब दिया कि ये बात मैं नहीं पूछ सकता। चुनाचे उस हातिफ ने बताया कि ये शख्स नमाज को हकीर समझता था, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। दूसरा वाकया, मैंने एक दूसरी कब्र खोदी तो देखा कि उस कब्र का मुर्दा तौक और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। मैं ये देखकर डर से लौटने लगा। हातिफ गैबी ने पुकार कर मुझसे कहा कि तू इस मुर्दे से अजाब का सबब क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, यह सवाल मेरी कुदरत से बाहर है। हातिफ ने कहा, यह शराब पीता था। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को इसने हराम नहीं किया। तीसरा वाकया, मैंने एक तीसरी कब्र खोदी तो देखा कि उसका मुर्दा आग की मेखों से बंधा हुआ था और उसकी जुबान गुद्दी की तरफ निकली हुई थी। मैं डर कर वापस होने लगा तो हातिफ गैबी ने आवाज़ दी कि मैयत से इसकी वजह क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, सवाल की मुझ में ताकत नहीं। उसने कहा, ये लोगों के माल दबाने की कोशिश करता था। चौथा वाकया, मैंने एक चौथी कब्र खोदी, देखा कि मुर्दा आग में जल रहा था और फरिश्ते उसको मार रहे थे और वो चीख रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा। हातिफ गैबी ने आवाज़ दी और कहा कि तू मुर्दे से इस अजाब की वजह क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, सवाल की मुझ में कुव्वत नहीं। हातिफ ने बताया कि यह झूठा शख्स था और झूठी कस्में खाया करता था। पांचवा वाकया, मैंने एक 5वीं कब्र खोदी तो देखा कि फरिश्ते उस मुर्दे को आग के सुतून से मार रहे थे और मुर्दा खूब चिल्ला रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा तो हातिफ गैबी ने पुकार कर कहा कि तू इस अजाब का सबब क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। फिर हातिफ ने खुद बताया कि ये खिलंडरा था, शतरंज वगैरह खेला करता था, हालांकि अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया है। मतलब ये कि कब्र का अजाब दिल, आँख, कान, जुबान, पेट, शर्मगाह, हाथ पाँव और सारे बदन के गुनाहों के सबब से होता है और इन आज़ा से जो नेक काम होते हैं उन पर अजर मिलता है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 2 मुसलमान अपनी तलवारों के साथ एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, फिर कोई एक मकतूल हो जाता है तो कातिल और मकतूल दोनों आग में जाते हैं। पूछा, क्या कातिल तो कातिल है, मकतूल क्यों आग में जाता है? इस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो भी तो कत्ल करने के इरादे से ही आया था। इब्ने हजर मक्की का बयान है कि अब्दुल बासित नामी एक शख्स काजी शहर का चपरासी था। वो शुरू में बहुत गरीब था, मगर उसने नाजायज़ ज़राए से खूब दौलत समेटी। लेकिन जब वो मर गया और दफन कर दिया गया तो दफन करने के बाद कब्र ज़रा सी खुल गई। हमने देखा कि एक जंजीर के अंदर एक बड़े सांप को उसकी लाश से बांध दिया गया है। हमने डरकर कब्र पर मिट्टी डाल दी और इबरत लेकर घर लौटे। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत बयान की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा जा रहे थे। रास्ते में किसी मुर्दे की एक खोपड़ी नज़र आई। आपके साथियों ने दरख्वास्त की कि ए रूहुल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि इस खोपड़ी को क़ुव्वत गोयाई अता फरमा दे और ये खोपड़ी गुज़रे हुए अजीब वाक़यात हमको सुना दे, इससे हमको इबरत हासिल होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ की। आपकी दुआ कबूल हुई और खोपड़ी बोल उठी कि ए रूहुल्लाह, पूछिए क्या पूछते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं आपकी बातों का जवाब दूं। आपने पूछा, तू इस दुनिया में कौन शख्सियत रखता था? खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस ज़मीन का बादशाह था, 1000 बरस जिंदा रहा, 1000 औलाद मुझसे हुई, 1000 शहर फतेह किए, 1000 हाल लश्करों को शिकस्त दी और 1000 बादशाहों को कत्ल किया। बिलाखिर इस फातह ज़माने को मौत आई। मैंने अच्छी तरह ये मालूम कर लिया कि ज़ुहद व तक़वा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और हिर्स व तमा में हलाकत ही हलाकत है और अल्लाह ताला की तकदीर पर राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज़्ज़त है। हज़रत इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जिसने सूरह मुल्क को हर रात पढ़ा उसको अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से बचा लेगा। हज़रत इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी मरवी है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके दिल में बजुज़ सूरह तबारक लज़ी के ऊपर कोई हिस्सा कुरान का ना था। जब वो शख्स कब्र में रखा गया तो एक फ़रिश्ता उसके पास आया। सूरह तबारक लज़ी उस शख्स के पास आकर खड़ी हो गई। फ़रिश्ते ने उससे कहा, बेशक तो खुदा की किताब का जुज्व है और मैं तेरी नाखुशी को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं तो इस मुर्दे के लिए या खुद अपनी मर्जी के लिए किसी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ। अगर तू इस मुर्दे को बचाना चाहती है तो अल्लाह ताला की जनाब में जाकर इसकी सिफारिश कर। ये सुनकर सूरा रब के हुजूर गई और दरख्वास्त की कि ए खुदा, फलां शख्स ने तेरी किताब में से मुझको पढ़ा तो क्या फिर भी उसको अजाब दिया जाएगा, हालांकि मैं उसके पेट में हूँ। अगर तेरा इरादा उसको अजाब देने का है तो मुझको अपनी किताब में से मिटा दे। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है कि मैं देखता हूँ कि तू बहुत खफा हो गई है। सूरह कहती है कि मुझे हक़ है कि मैं इस सूरत हाल से खफा हो जाऊं। फिर खुदा फरमाता है, अच्छा जा, मैंने उसको और तुझको बख्शा, तेरी सिफारिश उसके हक़ में कबूल की। सूरा अपने मुर्दा साथी के पास आती है और फरिश्ता अज़ाब को झड़क कर वहाँ से हटा देती है। फिर सूरा अपना मुंह उस मुर्दे के मुंह पर रखती है और कहती है, मरहबा, मुबारकबाद है इस मुंह को जिसने बार बार मुझे पढ़ा, मरहबा इस सीने को जिसने मुझे याद रखा, मरहबा इन पांवों को जो मेरी तिलावत को खड़े हुए। इसी तरह सूरह तबारक लज़ी कब्र में तसल्ली और उनसियत की बातों से मुर्दे की वहशत और खौफ को दूर करती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान फरमाई तो लोगों का ये हाल हुआ कि छोटे बड़े आज़ाद ग़ुलाम गरज़ तमाम लोगों ने सूरह तबारक लज़ी को याद कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सूरह का नाम मुनज्जिया रखा, यानी निजात देने वाली। और दोस्तों, अब सुनिए एक खुरासानी का वाक़या। हज़रत हामिद बिन याहिया बिन सलीम से मरवी है कि मक्का में एक खुरासानी शख्स था। ये लोगों की अमानतें अपने पास महफूज रखता और बवक्त ज़रूरत दे देता। एक शख्स 10,000 अशरफी उसके पास रखकर बतौर अमानत कहीं चला गया। इसी दौरान खुरासानी की मौत हो गई और उसने अमानत के बारे में कोई वसीयत नहीं की क्योंकि औलाद अमानतदार नहीं थी। अमानत उसने ज़मीन में दफन कर दी और मर गया। जब अमानत का मालिक आया तो मरहूम के बेटों से पूछा, सब ने ला इल्मी का इजहार किया। आखिरकार उसने उलमा की तरफ रुजू किया। उलमा ने कहा कि खुरासानी की अमानतदारी देखकर हमको गुमान होता है कि वो जन्नती शख्स था और हमको ये रिवायत पहुंची है कि अहले जन्नत की रूहें जमजम में जमा होती हैं। जब आधी रात गुजर जाए तो जमजम के पास जाकर किनारे पर खड़े हो जाना और खुरासानी को आवाज़ देना और उससे अमानत के बारे में दरियाफ्त करना। उम्मीद है कि वो कोई जवाब देगा। चुनाचे वो जमजम पर गया और उसने 3 बार खुरासानी को आवाज़ दी, लेकिन जवाब न मिला। नाकामी का हाल वापस आकर उन्हीं उलमा से कहा तो सबने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा। उलमा ने कहा, अफसोस, हमारा गुमान है कि वो खुरासानी दोज़खी है, इसलिए अहले जन्नत की रूहों के पास उसकी रूह नहीं है। अच्छा, अब तो यमन की तरफ जा। वहाँ एक वादी है जिसका नाम बरहूत है और उसमें कुआं है जिसको बाहूत कहते हैं। उसमें दोज़खियों की रूहें जमा रहती हैं। वहाँ जाकर आधी रात को आवाज़ दे, वहाँ जवाब मिलेगा। वो शख्स वहाँ गया और खुरासानी का नाम लेकर पुकारा और अपना नाम भी लिया कि मैं फ़लाँ शख्स हूँ। पहली ही आवाज़ में खुरासानी ने जवाब दिया और अमानत के बारे में कहा कि तेरी अशरफियाँ मेरे घर के दरवाजे की चौखट के नीचे हैं। उसने आकर चौखट के पास ज़मीन खोदी तो अमानत निकल आई और खुरासानी ने जो बात बताई थी वो सही साबित हुई। हज़रत शेख उमर बिन अलगालिज रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत बयान की कि मैं एक शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। ये शख्स बड़ा बुज़ुर्ग था। जब हमने उनकी नमाज जनाजा अदा कर ली तो हमने देखा कि अचानक ज़मीन व आसमान के दरमियान पूरी फ़िज़ा परिंदों से भर गई। परिंदों में से एक बड़ा परिंदा उतरा और उसने उस शख्स को निगल लिया। इसके बाद परिंदा गायब हो गया। मैंने इस वाक़े पर जब हैरत का इजहार किया तो एक शख्स ने बताया कि तू ताज्जुब ना कर, यह शख्स बड़ा आबिद व जाहिद था, इसको शहीद का दर्जा मिला है और शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के पोटों में जन्नत में चरती फिरती हैं। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि बनी इसराइल का एक शख्स लोगों से किनारा कश होकर पहाड़ पर खुदा की याद किया करता था। वो इतना खुदा रसीदा था कि जब कहत नाजिल होता तो आबादी के लोग उसके पास हाजिर होकर दुआ कराते और उसकी दुआ से बारिश होती थी। जब उस बुज़ुर्ग की वफ़ात हुई तो लोग उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की तैयारी करने लगे। इसी दौरान एक तख्त बदली में हरकत करता हुआ नज़र आया और फिर वो तख्त उस बुज़ुर्ग के पास आकर उतरा। तख्त के साथ एक आदमी भी उतरा। उसने बुज़ुर्ग की लाश को उस तख्त पर रख दिया। फिर तख्त आसमान की तरफ उठने लगा। लोग उस तख्त को देख ही रहे थे कि आसमान की बुलंदियों में वो गायब हो गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह वफ़ात के बाद अपने कर्ज़ की वजह से मुअल्लक़ रहती है। वो बग़ैर कर्ज़ अदा किए हुए जन्नत में नहीं जा सकती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। इसी दरमियान एक जनाजा आया और आपसे नमाज जनाजा पढ़ने की दरख्वास्त की गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इस मुर्दे के ज़िम्मे कोई कर्ज़ है? बताया गया कि हाँ। फरमाया, ऐसा शख्स जिसके ऊपर कर्ज़ है उसकी नमाज जनाजा पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? उसकी रूह तो कब्र में मुअल्लक़ है, आसमान पर नहीं चढ़ सकती। अगर कोई शख्स उसके कर्ज़ का जामिन हो तो मैं नमाज पढ़ूं, वरना नहीं, क्योंकि मेरी नमाज जनाजा उसी को उसी वक्त फ़ायदा दे सकती है जबकि कोई उसका कर्ज़ अदा कर दे या अदा करने की ज़मानत ले। हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दरियाफ़्त किया, क्या इस जगह कोई कबीला हज़ील का आदमी मौजूद है? तुम्हारा भाई जन्नत के दरवाज़े पर रोक दिया गया है क्योंकि वो मकरूज़ है। हज़रत शिबान बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बाप और अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद एक जिहाद में जा रहे थे। अचानक उनका गुज़र एक चौड़े और गहरे कुएं पर हुआ। उस कुएं के अंदर से कराहने की आवाज़ आई। तहक़ीक़ हाल के लिए एक आदमी कुएं में उतरा। उतरकर देखा कि एक आदमी तख्त पर बैठा हुआ है और उसके नीचे पानी ही पानी है। उस तख्तनशी से पूछा गया कि तू जिन है या इंसान है? अगर इंसान है तो अपनी हकीकत बयान कर। उसने कहा कि मैं अंताकिया का बादशाह हूँ और महज एक इंसान हूँ। मेरी वफ़ात के बाद इस जगह मुझे क़ैद कर दिया गया है क्योंकि मेरे ज़िम्मे कर्ज़ है। मेरा बेटा अंताकिया में है, वो ना मुझको याद करता है और ना मेरी तरफ से कर्ज़ अदा करता है कि मैं रिहाई पाऊँ। ये हाल सुनकर वो शख्स जो कुएं में तहक़ीक़ हाल के लिए उतरा था बाहर आया और अपने साथी से माजरा बयान किया। दोनों ने तय कर लिया कि चलकर जिहाद करेंगे और माल गनीमत से उसका कर्ज़ अदा कर देंगे। चुनाचे उन्होंने कर्ज़ अदा कर दिया। वापसी पर कुएं के पास आए तो वहाँ वो कुएं में मौजूद नहीं था, वहीं वो लोग सो गए। आखिर ख्वाब में वो आदमी आया और कहा कि अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे, तुमने कर्ज़ अदा कर दिया, अब मैं जन्नत में आ गया हूँ। मेरे दीनी बहनों और भाइयों और अजीज़ान इकराम, मौत दर मौत के बाद के हालात और वाक़यात अभी आपने सही रिवायात की रोशनी में सुने। अगर आपको ये तकरीर पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।